Hello everyone, welcome back to our channel The Information Tree. I hope you all are doing better in your lives. Before starting this video, अगर आप पहली बार ये चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन ताकि कोई भी नई वीडियो हम डालते हैं तो आपको झट से नोटिफिकेशन मिल जाए. तो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. तो आज हम बात करेंगे NIACL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट की पोस्ट के बारे में. सो व्हाट इज़ NIACL? इट इज़ द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. ये एक सरकारी कंपनी है जो कि इंश्योरेंस अश्योरेंस का काम करती है. इसने फिलहाल में ही 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट की पोस्ट निकाली है. इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता दूँ तो ओपनिंग डेट है इसकी मीन्स 1 सितंबर 2021 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है. लास्ट डेट है 21st of September. फेज़ वन एग्ज़ाम आपका होगा अक्टूबर में, फेज़ टू एग्ज़ाम आपका होगा November 2021 को. फीस की बात करते हैं तो SC ST PWD की जो है 100 रुपये फ़ीस है और इनके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब की 750 रुपीज़ है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएटेड भी हो तो भी. सो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिग्री. कंडीशन क्या है, जर्नल कैंडिडेट्स के लिए एटलीस्ट 60% आपकी जो है होनी चाहिए ग्रेजुएशन में और SC ST PWD की जो है एटलीस्ट 55%. और ये जो रिजल्ट है आपका मीन्स आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 30th of September 2021 तक या पोस्ट ग्रेजुएशन भी 30th of September 2021 तक जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए. कि अगर आपने दोनों ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हैं तो इनमें से किसी में भी आपकी 60% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल होंगे. ठीक है, एज है मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है एज ऑन 1st of April 2021 तक. एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रीलिम्स होगा आपका. 3 सेक्शन आएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. इंग्लिश 30 मार्क्स का होगा, रीजनिंग 35 मार्क्स की होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 मार्क्स का होगा. टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा एंड आपकी सेक्शनल टाइमिंग होगी. तीनों टॉपिक को आपको 20 मिनट मिलेंगे करने के लिए. ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन में आपके 4 टॉपिक आएंगे, दैट इज रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. रीजनिंग और चारों जो है 50 मार्क्स के आएंगे. टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा. इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग है, 40 मिनट्स आपको रीजनिंग के लिए मिलेंगे, 40 मिनट्स इंग्लिश के लिए, 30 मिनट्स आपको GK के लिए मिलेंगे एंड 40 मिनट्स आपको मैथ्स के लिए मिलेंगे. नेगेटिव मार्किंग बोथ प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही 1/4 है. प्री क्लियर किया आपने, आपका मेंस होगा, उसके बाद आपके मेंस के बाद आपके डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू होगा और ये दोनों एक साथ होंगे. मीन्स ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव के ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव ये दोनों एक साथ होंगी. ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव के बाद जो है दोबारा से सिलेक्शन होगा फिर इंटरव्यू होगा. नहीं, जिसका मेंस क्लियर है वो डिस्क्रिप्टिव भी देगा और वो इंटरव्यू भी देगा. डिस्क्रिप्टिव में आपका लेटर राइटिंग आएगी 10 मार्क्स की, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है और एसे राइटिंग आएगा 20 मार्क्स का. टोटल टाइम जो होगा वो 30 मिनट्स होगा. फिर आपका इंटरव्यू होगा एंड देन आपका सिलेक्शन होगा. वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका 4 साल का बॉन्ड भरवाया जाएगा. मीन्स आपको 4 साल तक तो जॉब करनी ही करनी है. इनकेस अगर आप बीच में ही छोड़ना चाहते हैं 4 साल कंप्लीशन होने से पहले, तो आपकी जो 1 साल की जितनी भी सैलरी आपको मिली है वो आपकी जो है वापस ले ली जाएगी. सो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो जो भी आपकी क्वेरीज है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.